नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी क्लास 10वीं के स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परीक्षा के नाम पर विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ ना करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड घंघाल ने कहा है कि परीक्षा के नाम पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखिएगा। लाइक नहीं किया तो कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोर्ड से संबंधित प्रत्येक जानकारी पाने के लिए। यहाँ पे देखिए, परीक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा के नाम पर खिलवाड़ ना करें, यह बात हरियाणा स्कूल लेक्चरेशन एनसीएसएन हसला के जिला प्रधान दलवीर गंगाल ने आज एक बयान में जारी की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या तो 4 पेपरों के आधार पर रिजल्ट घोषित कर दे या सभी विद्यार्थियों का विज्ञान का परीक्षा ले। जिला प्रधान ने कहा है कि कौन क्या पढ़ेगा उसके आधार पर 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी करना समझ से परे है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड के हालात को समझना चाहिए। उन्होंने इस समय बहुत से बच्चे को बाहर गए हुए हैं, हरियाणा में रहकर 10वीं कक्षा की परीक्षा देख कर जा चुके हैं। प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए यह न तो समान अवसर है और न ही एक मौका है। उन्होंने कहा है कि 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के लेकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में उनके सुझाव दिए हैं, लेकिन बोर्ड ने सभी को दरकिनार किया है। उन्होंने साफ किया है कि बोर्ड समिति यह तय नहीं कर पा रही है कि इन यहाँ पे देखिएगा इन निर्णय से विद्यार्थियों का कितना नुकसान होगा। जिला प्रधान दलवीर गंगाल ने कहा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड विभाग की ई लर्निंग अभियान के दुष्प्रवणाम सामने आने लगे। उन्होंने कहा है कि अध्यापक 6 से 7 घंटे फोन का प्रयोग कर कार्य दे रहे हैं, लेकिन ई लर्निंग के कारण विद्यार्थियों को सभी विषय का काम करने में 8 से 10 घंटे फोन का प्रयोग करना पड़ रहा है, जिसके चलते उसकी दृष्टि कमज़ोर हो रही है सहित कई दूसरे बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभिभावकों के माध्यम से यह बात भी सामने आई है कि अध्यापक अपने विषय का गृह कार्य PDF व वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं, और ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा हरियाणा स्कूल एनसीएसएन हसला कहता है भाई। और आपको क्या कुछ लगता है, बोर्ड ऐसा कर रहा है या फिर सही कर रहा है? ये कहता है कि सभी का एग्ज़ाम लो या फिर किसी का मत लो भाई, ठीक है? क्या कुछ आपको लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ। धन्यवाद।